हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूं। और ये वीडियो होने वाला है बोलेरो नियो की माइलेज के बारे में। तो आज मैं टैंक फिलिंग मेथड से आपको इसकी माइलेज चेक करने वाला हूं। तो लास्ट टाइम मैंने इसका टैंक फुल कराया था और ट्रिप को ज़ीरो किया था। तो लेट्स सी कि आज कितना माइलेज आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। उसके अलावा गाइस, मैंने कई सारे वीडियोस और भी डाले हैं बोलेरो नियो के बारे में। तो आई होप आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि आप और नए वीडियोस को देखते रहें और बोलेरो के बारे में और नई जानकारी आपको मिलती रहे। मैंने कई वीडियोस डाले हैं गाइस, और उसमें से एक वीडियो जो कि बैक सीट मॉडिफिकेशन पे है, जिसमें मैंने लास्ट सीट में जो दो छोटी सीट्स हैं उनको मैंने मॉडिफाई किया है, और उसमें बच्चों के स्पेशली लेटने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर थक जाते हैं ड्राइव पे, तो 5 से 10 साल के बच्चे उस पर आराम से लेट सकते हैं। तो अभी हम पेट्रोल पंप की तरफ जाएंगे और उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी कैसा रिस्पांस करती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो गाइस, अगर मैं अर्बन कस्टमर्स की बात करूं तो मुझे लगता है ऑफ रोडिंग का चांस तो उन्हें कम ही मिलता होगा, लेकिन हाँ, कई सारे पैचेस होते हैं सड़कों पे और कई बार गड्ढे भी होते हैं। उन पैचेस के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेके जाऊं और दिखाऊं कि किस तरह से गाड़ी बड़ी स्मूथली निकल जाती है। तो ये एक एडवांटेज आपके साथ हमेशा होता है जब आप बोलेरो नियो पे ड्राइव कर रहे हों, एक एलिवेटेड एसयूवी में आप ड्राइव कर रहे हों। रोड प्रेजेंस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, और आपको एक एलिवेटेड व्यू मिलता है विच इज़ समथिंग स्पेशल, जो बाकी मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी में, सीडान कार्स में आपको मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रोड की हालत कैसी खस्ता हो रखी है, लेकिन बहुत स्मूथली ये गाड़ी आप देख सकते हैं निकल जाएगी। हालांकि बाकी गाड़ियों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उनको ये हमेशा एक डर रहता है कि गाड़ी कहीं नीचे से ना लड़े या कोई आवाज़ ना आए उसमें, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट इस गाड़ी में आपको ये दिक्कत नहीं महसूस होगी, क्योंकि रेनी सीजन में नॉर्मली सड़कें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो गाइस, हम आज माइलेज पे वापस आते हैं। अगर मैं इसके अगर मैं आपको इसका जो जो फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी दिखाता है, तो उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुझे करीब 12.4 की एवरेज दिखा रहा है, विच इज़ वेरी लो। आई अंडरस्टैंड कई लोग 15 और 16 और 20 भी क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल मिलता होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। गाड़ी अभी नई है और करीब 1800 किलोमीटर चल चुकी है। ज़्यादातर ड्राइविंग जो है गाइस वो सिटी के अंदर ही है, हालांकि इट्स अ मेट्रो सिटी और ज़्यादातर मेरा जाना हाईवे पे ही होता है, बट स्पीड बहुत कंसिस्टेंट नहीं होती है, ड्राइविंग बहुत कंसिस्टेंट नहीं होती है। और इनिशियली मैंने इको मोड कभी भी यूज़ नहीं किया, बट नाउ आई एम ड्राइविंग ऑन इको मोड। सो इको मोड का भी आपको एक आपको एक आदत सी पड़ेगी, तो आपको इको मोड में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट अगर आप नॉर्मल मोड में चला रहे हो, सडनली आपने इको मोड में चेंज किया, तो डेफिनेटली आपको एक लो पावर महसूस होगी और आप ड्राइविंग को एंजॉय नहीं करेंगे। बट आई वुड प्रपोज कि आप अगर सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं तो इको मोड का ही यूज़ करें,
अच्छी माइलेज मिलने वाली है आपको, क्योंकि मुझे याद है ये 11.5 और 8 से ये बढ़ के अब 12.4 आया है, एंड दिस इज ओवरऑल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फॉर अबाउट 1840 किलोमीटर्स। तो इसको थोड़ा सा बढ़ने में भी टाइम लगेगा, अच्छी एवरेज के साथ मैं आगे ड्राइव करूँगा तो ये ज़रूर बढ़ेगा। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें नंबर कुछ और है, और जब वो एक्चुअल टैंक टू टैंक रिफिल कराते हैं तो उसमें उनको माइलेज कभी कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो माइलेज है वो एक प्रोग्राम्ड एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअल माइलेज। और ये इसको काफ़ी मे बी रिसर्च के बाद बनाया गया होगा कि RPM देन यू नो इको मोड देन AC ऑन एंड ऑल दैट, तो वो उसको कैलकुलेट करके आपको देता होगा। तो हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं गाइस, और मैं आज इसके टैंक को रिफिल कराऊंगा। तो अगर मैं ट्रिप की बात करूं तो जो ट्रिप है ट्रिप ए और ट्रिप बी के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें। तो ट्रिप ए अगर मैंने जीरो पे सेट की थी, जो 54 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस, तो मैं फिर से लेके जाता हूँ आपको। तो ट्रिप ए इज 54 किलोमीटर। अब इस ट्रिप को मैंने ज़ीरो किया था, और अगर आप एवरेज भी देखें ट्रिप ए का तो 21 किलोमीटर पर आवर है, विच इज़ वेरी लो। एंड ट्रिप बी टोटल माइलेज दिखाता है, आपकी टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और ट्रिप ए जो है उसका एवरेज जो मैंने जैसे आपको दिखाया, विच इज़ अबाउट करीब 550 किलोमीटर गाड़ी चली है, और उसका एवरेज भी आप देख सकते हैं, जो एवरेज मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो अबाउट 21 किलोमीटर पर आवर है। तो इतने कम स्पीड पे मुझे लगता है माइलेज बहुत अच्छी मिलने की तो मुझे चांस नहीं लगता। तो गाइस मैं देखिए हम पहुंच गए हैं, और हाँ भाई इसको फुल कर देना टंकी को। हाँ जी गैस फुल हो चुका है, और तो गाइस जो गाड़ी में टोटल डीजल आया है वो 49 लीटर एग्जैक्ट आया है, और मैं अब नाइट्रोजन फिलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ गया हूँ, और एक बार इसका माइलेज चेक करते हैं। तो ट्रिप पे गाइस है 554 किलोमीटर्स, और इसमें 49 लीटर जो है हमारा ऑयल लगा है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरा माइलेज जो है वो केवल 11.3 आता है, विच इज़ वेरी लो, एंड बिकॉज ऑफ
ड्राइविंग तो ठीक ठाक है मेरी बीच बीच में, मतलब नॉट एवरी डे बट यस। नाइट्रोजन भर देना भैया 35 चारों में। यहाँ पे अगर आपको देखें तो यहाँ पे जो माइलेज मुझे दिखाता है वो दिखाती है मेरा मीटर अबाउट 12.4। या इट इज़ 12.4 एवरेज माइलेज थ्रू आउट द ट्रिप ऑफ 1839 किलोमीटर्स, जो काफ़ी कम है। तो इसका रीज़न मुझे लगता है कि एक तो गाड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने सर्विसिंग के समय भी ये बात कही थी। दूसरा, मैंने इसको नॉर्मल मोड पे चलाया, तो नॉर्मल मोड पे नॉर्मली आपको ये, मुझे लगता है अगर हाईवे पे मुझे भी चेक करना है जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, स्पीड आपकी कंसिस्टेंट हो, क्योंकि एवरेज के लिए आपको ड्राइविंग में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक स्मूथ और यू नो कंसिस्टेंट ड्राइविंग वुड गिव यू बेटर माइलेज, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने टैंक टू टैंक फिल मेथड से चेक किया अपना माइलेज, एंड विच इज़ कमिंग अराउंड 11.3 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ एवरेज फॉर द फुल टैंक। और फुल टैंक में हमारा जो जो डीजल भरा है वो अबाउट 49 किलोमीटर्स भरा है गाइस। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर चेक करूँगा, आई विल कीप यू अपडेटिंग, और आपको बताता रहूँगा कि क्या माइलेज बढ़ी है या नहीं बढ़ी। मुझे लगता है माइलेज ज़रूर बढ़ेगी, और आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 14 टू 15 किलोमीटर्स पर लीटर। काफ़ी लोग इसको अचीव भी कर चुके हैं, काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं, काफ़ी लोग अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है गाइस कि डोंट गो ऑन दिस रीडिंग, दिस एवरेज विच इज़ 12.4 किलोमीटर पर लीटर। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम विद व्हेन यू एक्चुअली यू नो व्हेन यू गेट द माइलेज एक्चुअली ऑन एक्चुअल बेसिस, विच इज़ बेसिकली अ नॉर्मल मेथड ऑफ फिलिंग योर टैंक एंड सेट द मीटर ज़ीरो, और उसके बाद आप फिर दोबारा जब भरेंगे तब अपने टोटल किलोमीटर्स आप देख लें और आपको पता चल जाएगा कितने लीटर्स डीजल आपकी गाड़ी में गया। तो ये मेथड बहुत ही प्रूवन है, ऑथेंटिक है, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। हाँ, अब ये हो सकता है आप एक इसमें थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो फिलिंग स्टेशंस हैं वो रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि कई बार सर्विस सेंटर ये भी क्लेम करते हैं कि आपका फिलिंग स्टेशन में भी कई बार गड़बड़ करते हैं, उसमें आपको डीजल थोड़ा कम जाता है या वहाँ भी कुछ एरर्स होती हैं। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं जब आप महिंद्रा की सर्विस सेंटर में जाएंगे। तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें, इंश्योर कर लें कि फिलिंग स्टेशन शुड बी गुड और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम कुछ और नई बातें करेंगे बोलेरो नियो के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।